जो पाकिस्तान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूसरा सेमीफाइनल। अब पहला सेमीफाइनल चूंकि इंडिया ने मुंबई में ही खेलना है, अब इंडिया किसके साथ आएगा? तो अगर वो पाकिस्तान आता है तो भाई साहब रुक जाओ। भाई अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया ना, न्यूजीलैंड श्रीलंका को अगर एक रन से हराता है, कम से कम एक रन से, तो आप देखिए पाकिस्तान को इंग्लैंड को 11 तारीख को 130 रन से हराना है। इस वर्ल्ड कप में एक ही इंटरेस्ट रह गया सबका, अगले हफ्ते चौथी टीम कौन सी है। क्या 9 तारीख को हमें क्लियर हो जाएगा अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है, या फिर हमें 11 तारीख पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा सेमीफाइनल जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आता है न्यूजीलैंड आ जाओ, पाकिस्तान आती है पाकिस्तान आ जाओ, अफगानिस्तान आती है अफगानिस्तान आ जाओ। कुदरत का निजाम ही हो जाए और पाकिस्तान आ जाए ऊपर। अब ये है ना कि फाइनली एक तो इंडिया का सेमीफाइनल में ये इंश्योर हो गया कि 1-4 ही होना है। अब 4 में क्या है? अब अगेन देखो ये तय हो गया, 2019 की तरह हो रहा है। जो दूसरा सेमीफाइनल है कोलकाता में 16 तारीख को, वो सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2 है, ऑस्ट्रेलिया 3 होगा, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दूसरा सेमीफाइनल इडन गार्डन्स कोलकाता 16 तारीख को खेलेंगे। अब पहला सेमीफाइनल चूंकि इंडिया ने मुंबई में ही खेलना है, ये पहले से तय है 15 तारीख को, वो आप अपनी टिकट जो है बुक कर दीजिए। अब इंडिया किसके साथ आएगा ये सवाल पर भी तो है ना, और इसमें भी जब आप मुंबई बोल रहे हो तो मतलब पाकिस्तान एलिमिनेट हो गया वहां से। मैं वही कह रहा हूं, पेच है ये, पेच ये है कि अगर पाकिस्तान आ गया सेमीफाइनल में, क्योंकि इंडिया ने अब चौथी को ही खेलना है, तो वो न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, इन्हीं में से एक आएगा। तो अगर वो पाकिस्तान आता है तो भाई साहब रुक जाओ, फिर आप अपनी बुकिंग कोलकाता 16 तारीख की करा लो, क्योंकि पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल कोलकाता में ही खेलेगा। अब 2019 याद तो करना नहीं चाहिए सर, 19 पर ऐसे कुछ प्लान, मतलब एक बात कहूं मैं आपको मनोज, ये आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं न्यूजीलैंड के लिहाज से नहीं, जो लास्ट मोमेंट पे ट्रेवल प्लान चेंज हो गए थे ना सेमीफाइनल्स, वहां पर भी एकदम से चेंज हुआ सिनेरियो। तो ये 11 तारीख को, देखो 11 नहीं, आई थिंक आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पाकिस्तान से भी हमारे बहुत से फैंस होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे। भाई अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया ना, तो फिर न्यूजीलैंड ही आ रहा है। हाँ, फिर तो न्यूजीलैंड श्रीलंका को अगर एक रन से हराता है, कम से कम एक रन से, तो आप देखिए पाकिस्तान को इंग्लैंड को 11 तारीख को 130 रन से हराना है, वो आसान नहीं है। हाँ। हालांकि इस वर्ल्ड कप में जो टीमें हार जीत रही हैं इतने ही बड़े मार्जिन से, लेकिन अगेन अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका मैच कह रहे हैं, बरसात के भी इम्कान हैं, अगर पॉइंट शेयर हो गए तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को एक रन से हरा दे तो भी वो थ्रू हो जाता है। लेकिन इसके बीच अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान एक्चुअली के पास 2 मैच हैं। हाँ, और सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, एक साउथ अफ्रीका एक ऑस्ट्रेलिया। और मैं एक बात कहूं आपको, जो मैंने आज साउथ अफ्रीका को देखा है ना मनोज, अगर कहीं वो ऐसा मैच होगा कि अफगानिस्तान ने थोड़े बहुत रन बना दिए और इनको चेज करने को पड़ गया, 260 तक गई ना, ये अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को भी लगा देगा। दूसरा सेमीफाइनल जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आता है न्यूजीलैंड आ जाओ, पाकिस्तान आती है पाकिस्तान आ जाओ, अफगानिस्तान आती है अफगानिस्तान आ जाओ, इन सब में से चांस किसका लग रहा है सबसे ज्यादा? देखिए पाकिस्तान की नेट रन रेट है +0.036, न्यूजीलैंड की नेट रन रेट है +0.398। ये नेट रन रेट वैसे कल से 3-4 बार चेंज हो चुकी है, लेकिन चलो मैं इसके साथ ही जाता हूं अभी, ठीक है? नहीं ये सही है। अब सुनने में कल क्या आ रहा था कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे एक रन से भी, अब नेक्स्ट न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला बड़ा मैच है जिसको देखना पड़ेगा, हालांकि उस दिन बारिश के बड़े इम्कानात है कि बड़े चांसेस है बारिश हो जाए। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को एक रन से भी हरा दे तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को 131 रन से हराना पड़ेगा। जब मैंने बात मोहम्मद यूसुफ को बताई, समा न्यूज पे मेरा प्रोग्राम था, इंटरव्यू के लिए बुलाया था उन्होंने, इज्जत अफजाई करते हैं, शुक्रिया जी मोहम्मद यूसुफ भाई को। जब मैंने बताई ये बात कि भाई आपको 131 रन से इंग्लैंड को बीट करना है, तो कहते हैं इससे अच्छा तो ये कि हम इंग्लैंड को कमरे से बाहर ही आने दें होटल के। वो ही मान गया कि भाई इतना इम्पॉसिबल सिचुएशन है, अगर 50 रन से हराती है न्यूजीलैंड श्रीलंका हो तो 180 रन से हराना पड़ेगा पाकिस्तान को श्रीलंका को। तो वो खुद भी मान गए थे कि सुशांत यार इससे अच्छा तो कि बारिश ही करा दो।
जब हमारे लिए करवाना तो बारिश हो जाए, बारिश है वैसे उस दिन न्यूजीलैंड श्रीलंका में, कि बारिश ही हो जाए मैच ही ना हो, या होए भी तो फिर ऐसा होए कि होए तो वैसे चांस नहीं पाकिस्तान का, बड़ा मुश्किल चांस है, होने को हो सकता है 131 रन, मगर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या रहा है, अफगानिस्तान को भी आपने देखा बिकॉज अफगानिस्तान जला पड़ा है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने उनका टूर कैंसिल कर दिया तो वो तपे पड़े हैं, वो कह रहे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे आ जाओ मैदान में। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान में क्या होता है। फाइनली अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, आज भी साउथ अफ्रीका ने मिट्टी पलीत करा ली, अगर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार सकती है तो साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से भी हार सकती है भाई, पॉसिबल तो है, ऑस्ट्रेलिया को भी अफगानिस्तान हो सकता है अपसेट कर दे। तो मैं ये देख रहा हूं तीनों का चांस लग रहा है, न्यूजीलैंड का चांस, पाकिस्तान का चांस, अफगानिस्तान का चांस। बाय द वे अभी अगर आप फेयर एनालिसिस करें ना, इन तीनों में सबसे ज्यादा चांस है न्यूजीलैंड का, सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान का, और सबसे कम चांस है पाकिस्तान का। बिल्कुल अनबायस तरीके से बता रहा हूं भाई, अब कुदरत का निजाम ही हो जाए और पाकिस्तान आ जाए ऊपर तो अलग कोई बात है, लेकिन बात ये सच है भाई कि पहले जो कल तक मैं बोल रहा था शायद इंडिया नंबर टू पे आ सकती है अगर साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, और हो सकता है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान या न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान सेमीफाइनल, वो नहीं हो रहा। अब अगर पाकिस्तान ऊपर आती है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, और ये मैं देखो दुआ कर रहा हूं भाई प्लीज आ जाओ, अकाउंट डिलीट वाली बात कि एक बार खत्म कर दिया, खात्मा। मैं बस मिन्नत मांग रहा हूं कि आ जाओ बस, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं भाई आ जाओ, इनकी सारी हसरतें पूरी हो जाए, मेरे को रोज आके पाकिस्तानियों की बढ़के सुननी पड़ती है, हमारी टीम जिंदा हो गई है, हमारी टीम वापस आ गई, हमारी टीम ये, भाई हमारी बॉलिंग से बच के कौन बचेगा भाई, अगर इस बार आएंगे और बुरी तरह आएंगे, और बुरी तरह आएंगे, हमारी बॉलिंग की जो लाइन लेंथ है वो इधर से उधर होती नहीं है, बैटर तो फिर भी इधर उधर कर देते हैं, बॉलिंग जो टप्पे में पड़ रही है, जो लाइन लेंथ हो रही है, सिराज, शमी, बुमराह, उसके बाद जो स्पिनर आ रहे हैं, कुलदीप जडेजा खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात न्यूजीलैंड अफगानिस्तान बोले तो बोले क्या करे तो करे क्या, पाकिस्तान को आना है तो कुदरत का निजाम चपेड़े आप भी दुआएं मांग रहे हो, आप भी ये दुआएं मांग रहे हो कि आप आ जाओ, है ना, मैं आपके साथ हूँ, देखो मैं आपके साथ हूँ, मैं सच में शुरू से बोल रहा हूं कि एक बार जितनी हसरतें हैं। अच्छा कल कोई हमारी बहन बोल रही थी कि जी बाबर आजम को जो है इंग्लिश क्यों बोलनी पड़ती है, आप लोग हिंदी में क्यों नहीं बुलवा सकते, ये शमी भाई का इंटरव्यू देख लो हिंदी में कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने हिंदी में बोलना है आपने इंग्लिश में बोलना है, आपको कोई फोर्स नहीं करता हिंदी इंग्लिश में बोलना, खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं आपके साथ भाई दुआ कर रहा हूं, आप भी दुआ कर रहे हैं, आपको बड़ा कल मुझे मुशी भाई ने बोला, एक उनके और पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे बोला अगर फकर जमान सुशांत, मैंने उनसे पूछा परसेंटेज क्या है, अगर पाकिस्तान सच्ची में आ जाए इंडिया के साथ सेमीफाइनल में तो कितने परसेंट चांस दोगे कि पाकिस्तान जीत जाए, दोनों ने परसेंटेज नहीं बताई, मुशी भाई ने भी और मुश्ताक अहमद ने भी और यूसुफ भाई ने भी मोहम्मद यूसुफ ने भी, लेकिन उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस हो जाती है, मान लिया जी बहुत डेंजरस हो जी आ जाते हो, अगर एक आदमी गुसलखाने में स्लिप हो जाए उतनी डेंजरस बात है, बहुत डेंजरस हो, स्लिप होने वाली तकरीर है ना, तो मैंने परसेंटेज उन्होंने नहीं बताई, मैं सुन रहा हूँ हाँ जी परसेंट डेंजरस हो जाएगी, एक और साहब बैठे थे उनका सॉरी मेरे को याद नहीं, आई कांट रिकॉल हिज नेम, उन्होंने बोला सुशांत आप एक बार बताइए अगर फकर जमान इंडिया के अगेंस्ट 11 छक्के मार दे फिर आप क्या बोलेंगे, कितनी परसेंटेज देंगे, मैंने बोला सर फिर मैच खत्म हो जाएगा, तो हंस रहे थे वो कह रहे थे हाँ सही बात है सही बात है, मैंने उसके आगे कुछ नहीं बोला, इस बॉलिंग को 11 छक्के कोलकाता में, ये कोलकाता में हुआ ना मैच, नहीं ये कोलकाता में हुआ मैच यही होगा, तो ऐसा है ना मैं ये चाह रहा हूं कि दिल के अरमां आपके पूरे हो जाएं, पड़ोसी होने का पूरा हक निभाएंगे, आंसुओं में दिल के अरमां इनके महंगे ना, एक बार आ जाओ। तो दोस्तों जैसा कि हमने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन सुना, विक्रांत गुप्ता का कहना था कि अब इन तीन टीमों के दरमियान जंग होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और ज्यादा चांस यहाँ पर पाकिस्तान के लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विक्रांत गुप्ता कहना कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है। ये थी आज की वीडियो, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।